मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इखलाक और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल सोचो जानो। सो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ देने वाला हूं दोस्तों, जो कि है एंड्रॉयड के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जिसको आप डाउनलोड करके दोस्तों अपने एंड्रॉयड मोबाइल को दोस्तों कंप्यूटर जैसा लुक दे सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले उसी चीज़ के बारे में दोस्तों। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि हम वापस से दोस्तों, हमने इंस्टॉल तो कर लिया है सॉफ्टवेयर को, वापस हम अपने एंड्रॉयड वाले फंक्शन में कैसे जाएंगे। तो दोस्तों इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक के देखिए, और आपको अगर दोस्तों इस वीडियो के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि अनइंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों जैसा कि आप सामने जानते हैं, जैसे ही आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आओगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जैसे ही आप नीचे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे, तो प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ढूंढना है दोस्तों सेटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे सेटिंग आपको ढूंढ लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको सेटिंग ढूंढना होगा। सेटिंग ढूंढने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल ऐसे ही आप सेटिंग को ढूंढ लेते हैं। सेटिंग के अंदर आपको ओपन करना है। ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सही से ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे डिवाइस में आने के बाद, यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो तरीके के एप्लीकेशन दिख जाएंगे। एक तो आपकी एप्लीकेशन मैनेजर होगा, उसके अलावा दोस्तों डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होगा। तो सिंपल एप्लीकेशन मैनेजर में आपको जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर दोस्तों मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था दोस्तों एंड्रॉयड विंडोज़। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस सॉफ्टवेयर को दोस्तों हम कैसे इसको एग्जिट करेंगे, कैसे इस डिलीट करेंगे, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सिंपल आपको इस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। एंड्रॉयड मेन्यू को एंड्रॉयड विंडो को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से डाटा भी क्लियर कर सकते हो, पोर्ट स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को नहीं रखना है तो दोस्तों यहाँ सिंपल आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे हम आपको अनइंस्टॉल करके दिखा देते हैं। अभी दोस्तों जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड्रॉयड पे वो विंडोज़ पे चल रहा है, तो हम इसको दोस्तों अनइंस्टॉल करके हम वापस से अपने एंड्रॉयड वाले फंक्शन पे आ सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन थी, जो हमारी विंडोज़ एप्लीकेशन थी, वो पूरी तरीके से अनइंस्टॉल हो चुकी है। हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल हमारा जो पहले पुराना जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप बीच वाला होम का बटन दबाओगे तो यहाँ पे सिंपल आपके जो पहले के जो पुराने वाले जो फंक्शन होंगे वो यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपल क्लिक करने के बाद आपका ये पुराना सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और भी कोई सुझाव या किसी और चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैं उसी के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और हमारे नए मेहमान से दोस्तों गुजारिश, अगर इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों ऐसे ही एंड्रॉयड टिप्स और बहुत सारे फ्री कॉलिंग के बहुत सारे तरीके एंड्रॉयड के बारे में लेकर के आता रहता हूँ, यूट्यूब के बारे में बताता रहता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।